हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड चैरिटेबल ट्रस्ट। हम सभी लोगों ने ये शब्द सुना होगा जिसे हम खेराती न्यास कहते हैं अथवा इसे पब्लिक ट्रस्ट या सार्वजनिक न्यास भी कहा जाता है। तो आज का लेक्चर है मित्रों खेराती न्यास, खेराती यानी चैरिटेबल ट्रस्ट। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉइजी में और आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब ये चैरिटेबल ट्रस्ट होती क्या है, नाम से स्पष्ट है खेराती। खेराती एक्चुअली उर्दू शब्द है। खेराती का मतलब होता है परोपकार। अगर हम हिंदी में कहें तो एक परोपकार होता है। परोपकार से तात्पर्य किसी अन्य के फायदे के लिए, किसी अन्य के हित के लिए। तो सबसे पहले चैरिटेबल ट्रस्ट को पढ़ने के पहले हमको ट्रस्ट को समझना पड़ेगा कि ट्रस्ट क्या होता है। यदि हम ट्रस्ट को, यदि इंग्लिश वर्ड है ये, और ट्रस्ट का मतलब एक्चुअली देखा जाए तो विश्वास होता है। जैसे हम कहते हैं कि कैन यू ट्रस्ट मी, क्या आप मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। तो यहां पर ट्रस्ट जो है एक प्रकार से विश्वास तो ही सही, लेकिन एक प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरे के फायदे के लिए बनाया जाता है। अन्य के फायदे के लिए बनाए जाने वाले ट्रस्ट को, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन को ट्रस्ट कहा जाता है। अब देखिए, बड़ा ही विचित्र एक बड़ा ही विचित्र संबंध होता है। एक व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी है, द पर्सन हु इज ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही इज ट्रांसफरिंग हिज प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन। एक व्यक्ति दूसरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, नॉट लीगल ओनरशिप, लीगल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता है, वो पदेशन ट्रांसफर करता है। और वो जिस व्यक्ति को ट्रांसफर करता है उस व्यक्ति पर विश्वास व्यक्त करता है कि वह इस प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन, उस प्रॉपर्टी का केयर टेकर बनेगा और वो प्रॉपर्टी के जो लाभ हैं यानी जो बेनिफिट्स हैं वो किसी अन्य व्यक्ति को मिलेंगे। और ये जो अन्य व्यक्ति है वो हितग्राही होता है, इसे बेनिफिशरीज कहते हैं। तो देर आर थ्री पार्टीज, तो ट्रस्ट में तीन पार्टीज होती है। तो ट्रस्ट एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है जो अन्य के फायदे के लिए, दूसरे के लाभ के लिए बनाया जाता है। अब यहां पर जब चैरिटेबल जुड़ जाता है तो चैरिटेबल मतलब परोपकार उद्देश्य, पुण्य कमाने के लिए, धर्म के को वृद्धि करने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है। तो इसी को ही चैरिटेबल ट्रस्ट कहा जाता है। खेराती मतलब जो गरीब लोगों के लिए, निराश्रित लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो अक्षम है, उन लोगों के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, तो उसे खेराती न्यास कहा जाता है। यदि आप लोगों ने आसपास के कुछ मंदिर देखे हो या आसपास के कुछ खेराती अस्पतालों की ओर गौर किया हो तो उस खेराती अस्पताल के प्रबंधन की टीम जो होती है वो ट्रस्टी की टीम होती है। और उसमें कई लोग एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन दान करते हैं, प्याऊ वाटर की मशीन दान करते हैं। उसमें लिखा रहता है कि राम प्यारी बाऊ की बाई की स्मृति में। तो इसका मतलब ये है कि वो एक सार्वजनिक और खेराती न्यास है और इसका उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यास एक संस्था है, जैसा कि हम लोगों ने समझा। ट्रस्ट इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन जो अन्य के हित के लिए बनाई जाती है, दूसरे के बेनिफिट के लिए बनाई जाने वाली संस्था को न्यास कहा जाता है। इसमें एक व्यक्ति संपत्ति दूसरे व्यक्ति को दे देता है, न्यासकर्ता जो है वो न्यासी को संपत्ति ट्रांसफर कर देता है। और ये एक प्रकार का दायित्व होता है, यानी न्यासी का एक दायित्व होता है कि उस प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन, उस प्रॉपर्टी का केयर टेकर बनकर काम करे और दूसरों के हित के लिए, जिस उद्देश्य के लिए न्यास का गठन किया गया है, उस उद्देश्य को पूरा करे। ये न्यासी का महत्वपूर्ण लायबिलिटी होती है। अगर हम एग्जाम्पल की ओर चले तो मान लीजिए एक्स संपत्ति का स्वामी है, एक्स ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी है, और वो जो ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी वो न्यासकर्ता बन जाता है, और वाई न्यासी है, जिस व्यक्ति ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी ने प्रॉपर्टी किसको कर दी है ट्रांसफर, न्यासी को, जो कि संपत्ति का प्रशासक है, इसी को न्यासधारी अथवा न्यासी भी कहेंगे। और ए बी सी, ये तीन मान लीजिए गरीब बच्चे हैं या निराश्रित बच्चे हैं, इनके लिए मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी वाई को दी कि जो प्रॉपर्टी के जो लाभ आएंगे, जो बेनिफिट्स आएंगे, वो ए बी और सी तीन गरीब बच्चों को मिलना चाहिए। तो ये लोग हो गए हितग्राही, जिसे हम इंग्लिश में बेनिफिशरीज कहेंगे। तो इस प्रकार तीन लोगों का एक संबंध क्रिएट हो जाता है ट्रस्ट में। एक होता है न्यासकर्ता, दूसरा होता है न्यासी, और तीसरा होता है हितग्राही। इन तीनों के संबंध को ही न्यास कहा जाता है कि आपस में एक न्यास बन चुका है। और न्यास के ऊपर जो कानून हमारे देश में बनाया गया उसका नाम है भारतीय न्यास अधिनियम, यानी इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 का कानून है, अंग्रेजों के समय का कानून है। इसकी धारा 3 में न्यास को परिभाषित किया गया है और ये कहता है कि इसके लिए एक ट्रस्ट डीड बनाई जाएगी, एक न्यास विलेख बनाया जाएगा। जैसे सेल डीड होता है, कोई हम क्रय विक्रय करते हैं तो सेल डीड बनता है, विक्रय पत्र बनता है, ठीक इसी प्रकार न्यास पत्र बनेगा जिसे हम ट्रस्ट डीड कहेंगे, न्यास विलेख भी कहा जाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम हॉस्पिटल देखें, एक व्यक्ति ने अपनी जगह हॉस्पिटल के लिए दे दी कि इसमें गरीब लोगों का इलाज होगा, तो खेराती अस्पताल हो सकता है। इसमें कई लोग एक्सरे मशीन डोनेट कर रहे हैं, कई लोग टेस्ट करने
के लिए जो मशीनें होती हैं, सोनोग्राफी मशीन्स वगैरह दे रहे हैं। तो ये एक प्रकार से खैराती अस्पताल है, और खैराती अस्पताल में कई लोग दान भी करते हैं, और इनका उद्देश्य होता है परोपकार, यानी मरीजों का फ्री में इलाज हो या बहुत ही कम शुल्क में इलाज हो, लो प्राइजेस में कम शुल्क पे इलाज हो। तो ऐसे अनेक न्यास हम अपने आसपास देखते हैं। यही खैराती न्यास जो होते हैं, इन्हीं को ही पब्लिक ट्रस्ट या सार्वजनिक न्यास भी कहा जाता है। यदि हम मंदिर की बात करें, अनेक मंदिरों में बहुत डोनेशन जाता है, मंदिरों में बहुत चढ़ावा जाता है, तो वो जो मंदिर में जो चढ़ावा जाता है उसके लिए कई बार एक प्रबंधन टीम बन जाती है, जिसे हम ट्रस्टी गण बोलते हैं। ये ट्रस्टी गण उस पैसों से शिक्षा का काम कर सकते हैं, चिकित्सा का काम कर देते हैं, चिकित्सा के लिए न्यास बना लेते हैं, विकलांग लोगों के कल्याण के लिए न्यास बना दिया जाता है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, विमेन वेलफेयर के लिए, महिला कल्याण, बच्चों के कल्याण के लिए भी न्यास बना दिया जाता है। अब यदि हम उद्देश्य की ओर देखें, न्यास का मेन उद्देश्य क्या होता है, यानी खैराती न्यास क्यों बनाई जाती है, तो अधिकतर धार्मिक उद्देश्यों के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए, व्यक्ति अंतकाल में पुण्य लाभ कमाना चाहता है, उस पुण्य लाभ के लिए भी कई बार न्यास का गठन कर देता है। परोपकार, खैराती न्यास का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है परोपकार, यानी दूसरे के बेनिफिट के लिए, अन्य व्यक्ति के बेनिफिट के लिए, अन्य व्यक्ति के भले के लिए न्यास ये बनाया जाता है। और मानव हित यानी ह्यूमन वेलफेयर, अनेक ट्रस्ट जो बनाए जाते हैं वो मानव हित के लिए, हालांकि पशु पक्षियों के लिए भी ट्रस्ट बनाए जाते हैं, पर मानव हित, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब निराश्रित लोग हैं, उनके लिए खैराती न्यास बनाया जाता है। और इन खैराती न्यास में अनेक लोगों का, अगर खैराती अस्पताल होगा तो अनेक लोगों का बहुत ही निःशुल्क इलाज होता है, कम रेट्स में इलाज होते हैं। यदि खैराती स्कूल है तो बहुत ही कम फीस में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो ये है खैराती न्यास का कंसेप्ट। मित्रों, आई होप आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।